या हम सेंटेंस को कह सकते हैं आई वॉज वेरी लकी ओके ये जो सेंटेंस होता है यहां से लेकर यहां तक इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब ओके इसको क्या कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब एंड ये यहां से यहां तक का यानी डबल कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्ट टेड स्पीच इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच ये जो सेंटेंस होता है इस तरह का डबल कोमा वाले ये तो होता है डायरेक्ट स्पीच यानी सीधा अगला स्पीच कर रहा है एंड इसी तरीके से यदि इस सेंटेंस को मैं चेंज कर दूं ही सेड टू एज ए वर्ब एंड इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड मी ही टोल्ड मी एंड एज ए कनेक्टिव यहाँ हम काम में लेंगे दैट और ये जो कोमा है डबल कोमा एंड सिंगल कोमा इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ कनेक्टिव आ जाएगा दैट है, तो आ जाएगा वर ये एक sentence हो गया, यहाँ फुल स्टॉप रह जाएगा तो ये जो सेंटेंस है इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच यानी घुमा फिरा के अगला अपना स्पीच या अपना सेंटेंस कह रहा है ओके तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है इतना क्लियर हुआ एंड इसके आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच यानी जो नरेशन टॉपिक है उसमें कॉमन रूल्स क्या है और इसको कैसे चेंज किया जाता है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होता है वो चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो उसके लिए दो तीन रूल्स मतलब चार्ट्स की टेबल uh, है रूल्स की टेबल है उसको हमें लर्न करना होगा उसके बाद ही हम इसको क्लियरली समझ पाएंगे जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन पर्सन जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ये एक चार्ट है मान लीजिए चार्ट नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया जैसे चार्ट नंबर फर्स्ट तो देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है आई एंड वी दो आते हैं हमें पता है ये तो सब्जेक्टिव केस होता है दूसरा होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस कैसे होगा आई का मी बी का एस उसके बाद रेफ्लेक्सिव केस होता है ओके रेफ्लेक्सिव केस में देखिए मी का क्या हो जाएगा मी का हो जाएगा मी का माई सॉरी माई सेल्फ क्योंकि रेफ्लेक्सिव है तो माई सेल्फ आ जाएगा अगला केस आ जाएगा पजेजिव केस पजेजिव केस और इसमें आ जाएगा माई एंड माइन इसी तरीके से अस का क्या हो जाएगा आवर सेल्फ आवर सेल्फ ठीक है इसी तरीके से यहां पे हो जाएगा आवर Our, आवरस ये लीजिए ये पॉजिटिव केस हो जाता है इसी तरीके से सेकेंड पर्सन कौन होता है यू यू सब्जेक्टिव केस भी होता है ऑब्जेक्टिव केस भी होता है एंड रेफ्लेक्सिंग में हो जाएगा योवर सेल्फ या योर ठीक है इसी तरीके से आ जाएगा योवर योवर्स ये हो जाएगा पॉजिजिव केस ठीक है इसी तरीके से थर्ड में है जैसे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में कौन कौन आता है ही सी इट दे एक्सेट्रा आते हैं जब हम इसको चेंज करेंगे इसका सब्जेक्ट ये सब्जेक्टिव केस हो गए थर्ड पर्सन में और जब हम इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो ही का बनेगा हिम सी का बनेगा हर इट का बनेगा इट एंड दे का देम ठीक जब हम इसका रिफ्लेक्सिव केस बनाएगा बनाएंगे तो इसका बन जाएगा हिम सेल्फ इसका हर सेल्फ इट का इट सेल्फ एंड का इट सेल्फ एंड काल्फ ये बन गए सारे रिफ्लेक्सिव केस जब इनके हम पजेजिव केस बनाएंगे तो इनका बन जाएगा जैसे हिम का हिज हिज ठीक है इसी तरीके हर का हर Her, हर्स इसी तरीके से इट का इट्स इट्स ठीक है इसी तरह का बन जाएगा देयर देयर्स देयर एंड ये केस होते हैं ठीक है जैसे फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा आई वी आ जाएगा आई वी और ये सारे सॉरी इधर तक आ जाएगा ये आई वी तक यहां तक आ जाएगा फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में यू वाला पार्ट आ जाएगा थर्ड पर्सन में ये वाला पार्ट आ जाएगा तो ये एक प्रोनाउन में चेंज का चार्ट होता है इसको हमें याद करना पड़ेगा फिर ही हम प्रोनाउन में चेंज कर पाएंगे फर्स्ट पर्सन जैसे रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन होता न, है ना सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट उसमें जो हम चेंज करेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन के आगे हमें क्या लिखना है एस ये एक फॉर्मूला है एक ट्रिक है इसको ढूंढने की एस ओ एन ओके तो जो फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा ना वो होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस से मतलब सब्जेक्ट और जो सेकेंड पर्सन में चेंज होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ठीक है एंड इसी तरीके से जो थर्ड पर्सन अगर वहां आ जाता है तो वहां पे नो no चेंज होगा नो no चेंज तो एक छोटी सी टेबल मैंने आपको आपके साथ डिस्कस करी है तो इसको देखिए यूज कहाँ करेंगे हम वो हम आगे जब हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे उनमें डिस्कस करेंगे ओके तो एक चार्ट तो अपना ये है दूसरा चार्ट अपना होगा जो मैं अभी बताऊंगी आपको जैसे टेंस में चेंजेस कैसे होते हैं तो उसका भी एक चार्ट है अलग से तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी जैसे टेंस मान लीजिए जैसे कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसकी जो वर्ब आती है सब्जेक्ट के जा बाद जस्ट बाद जो वर्ब आएगी उसमें हम चेंज कैसे करेंगे इसका पता लगाने के लिए मैं एक छोटा सा दूसरा चार्ट और जैसे चेंज इन टू टेंस चेंज इन टू टेंस तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग स्पीच है डायरेक्ट स्पीच है उसके सेंटेंस में जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हो तो यदि हम उसको चेंज करेंगे तो ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे ये रूल नंबर फर्स्ट है टेंस से टेंस में चेंज का इसी तरीके से यदि रिपोर्टिंग स्पीच में डू do या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही चेंज करेंगे ओके इसी तरीके से यदि यहाँ पे आ जाए डू ड प्लस नोट प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म तो उसमें जब हम चेंज करेंगे तो इसमें चेंज करेंगे कि डीढ़ नोट प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म इसमें चेंज हो जाएगा ओके तो ये टेंस में चेंजेस के रूल्स है जैसे फोर का रूल मैं यहां लिखवा रही हूँ आपको जैसे फोर का रूल है कि यदि वर्ब की सॉरी इज आर एम हो इज आर एम हो तो हम उसको क्या करेंगे वोज वर्ग में चेंज कर देंगे ठीक है अब इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हैज हैव हो हैज या हैव हो प्लस वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो जब हम उसमें चेंज करेंगे तो उसको चेंज करेंगे कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज इसको कर देंगे ठीक है ये मतलब जो डायरेक्ट स्पीच के जो ये टेंसेस से संबंधित ये वर्ब्स होती हैं इनको हम पास्ट टेंस में ले जाते हैं ये इसमें हमें चेंज करना होता है ठीक है इसी तरीके से सिक्स नंबर का रूल है जैसे मान लीजिए कि वर्ब वर्ब की की फॉर्म हो या फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो जो हम उसमें चेंज करेंगे उसमें चेंज करेंगे कि इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाए इसी तरीके से जैसे वोज वर हो वोज या वर हो हमारे पास ठीक है तो जब हम उसको चेंज करेंगे वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का स्ट्रक्चर यदि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस में आ रहा है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो करेंगे हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इसमें चेंज हो जाएगा इसी तरीके से जैसे और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिनको कि हमें लर्न करना पड़ेगा जैसे कि एट नंबर का जैसे मान लीजिए एट नंबर का रूल है जैसे यहाँ पे आ गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है तो ये इसी में रहेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा ये तो और इसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए विल या शैल है विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो जब हम इसमें चेंज करेंगे तो इसको हम चेंज करेंगे वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है इसी रूल नंबर नाइन मान लीजिए कैन है कैन है मे है इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कुड या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा 10 नंबर का है जैसे मॉडल्स हैं बाकी जो मॉडल्स बचे हुए हैं मॉडल्स कितने होते हैं 13 होते हैं 13 इन नंबर लेकिन यदि मैं देखिए फोर तो मैंने यहाँ लिख दिए विल शैल कैन एंड मे बाकी के जो नाइन मॉडल्स हैं, अगर वो आ जाए जैसे मान लीजिए मस्ट है आउट टू है यूज्ड टू है डेयर नॉट है या फिर नीड नॉट है या मस्ट है बाकी के जो बचे हुए हैं आउट टू है शुड है वो सारे मॉडल अभी यदि यहाँ आ जाए तो वो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर यदि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आ जाए तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो मॉडल वैसा का वैसा आ जाएगा मॉडल प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें की हमें ध्यान रखना है और ये सारे जो रूल्स के ये जो रूल्स हैं चेंजेस वाले टेंस में चेंज वाले या रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस वाले ये सारे मैं आपको सेंड कर दूंगी और उसके आफ्टर तो ये छोटा सा एक दूसरा रूल मैंने आपको बताया आगे हम डिस्कस करेंगे तो एक देखिए छोटा सा जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में जो हम चेंज करते हैं ठीक है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं वो हमें पता ही है जैसे ही सब्जेक्ट है तो जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम बन जाएगा सी सब्जेक्ट है उसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर बन जाएगा दे सब्जेक्ट है यदि उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दैम बन जाएगा इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आई सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी बन जाएगा वी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस बन जाएगा ये कुछ मेजर रूल्स है जिन्हें कि हमें फॉलो करना है सिर्फ ध्यान रखना है कि यू सब्जेक्ट है तो यू का यू ही रहता है कोई चेंज नहीं होता है यू का यू ही रहेगा सब्जेक्ट ओके okay? और जैसे वी का अस हो गया बाकी ये मेजर छोटे छोटे रूल्स है जिनके जिनको कि हमें फॉलो करते हुए ये जो नरेशन का टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं उनको ध्यान रखते हुए हमें इनको फॉलो करना है ओके okay? नेक्स्ट अब हमें अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे देखिए नरेशन डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं कितने सेंटेंसेस होंगे फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन सेंटेंसेज को हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है ये हम हर सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे जैसे सेंटेंसेज के टाइप में फर्स्ट टाइप कौन सा आता है असर्टिव सबसे पहले हम किस टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंस अब देखिए assertative sentence क्या होता है assertative sentence को अदर वर्ड्स में यदि हम देखें तो जो स्टेटमेंट्स होते हैं स्टेटमेंट्स यानी जो वाक्य होते हैं सेंटेंस होते हैं ठीक है ठीके? और वो भी वो भी इसका टाइप हो सकता है एक अफर्मेटिव भी हो सकता है अफर्मेटिव या हम अगर अदर वर्ड्स में इसको कहें तो ये कॉमन सेंटेंस भी हो सकते हैं कॉमन सेंटेंस जनरल सेंटेंस पता नहीं कितने इसके नाम हैं ये सारे क्या है assertive टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि बुक में दिया दिया हुआ दिया हुआ है है एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स टाइप दिया हुआ है तो ये सारे इसी के नाम हैं अब सबसे पहले हमें जो मेजर बातें याद रखनी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टाइप ऑफ में तो वो कौन कौन सी है इसको देखने के लिए हमें पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि कनेक्टिव असर सबसे पहले तो ये पहचान करनी जरूरी है कि किसरटिव टाइप सेंटेंस कौन से होते हैं यानी सिंपल सेंटेंस जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस कहा जैसे राम इज ए गुड बॉय राम इज ए गुड बॉय अब देखिए ये सेंटेंस किस टाइप का है असर्टिव है सिंपल है जनरल है कॉमन है ठीक है सिंपल सेंटेंस है तो हम हमने ये पहचान कर ली कि असर्टिव साइप सेंटेंस है क्यों क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप आ रहा है लास्ट में सब्जेक्ट कौन है राम राम भी एक ही है राम के बाद का जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या है प्रेडिकेट है वर्ब है वर्ब के आगे का जो वर्ब से लेके लास्ट तक का जो पार्ट होता है वो क्या होता है प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट जहां हो सब्जेक्ट एक ही हो फुल स्टॉप हो तो वो सेंटेंस कैसा होता है टाइप होता है कॉमन होता है फॉर्मेटिव होता है तो इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है अब दूसरा हमें हमेंटिव टाइप सेंटेंस में क्या बात ध्यान रखनी है कि हम जो कनेक्टिव यूज करेंगे हम जो कनेक्टिव यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे दैट क्या यूज करेंगे दैट दूसरा हमें याद रखना है कि सैड टू यदि वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाती है तो हम उसको चेंज करेंगे टोल्ड में ठीक है दूसरा कि हमेशा ध्यान रखें कि यदि हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर रहे हैं और यदि वो रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ जाए प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में आ जाए तो कोई चेंज नहीं होगा ध्यान रखें रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आ जाए तो कोई चेंज नहीं होगा अब प्रेजेंट 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 टेंस 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 आप कहोगे कैसे मैडम तो तो देखिए से क्या होता है या वर्ब तो की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यास लगा हो वो होता है तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा से से क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है से फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म क्या है सेड थर्ड फॉर्म क्या है सेड ठीक है तो या मान लीजिए ये तो पास्ट टेंस हो गया ना पास्ट हो गया फ्यूचर हो गया ठीक है ये से क्या है ये तो प्रेजेंट टेंस ही वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है या इसमें क्या आ गया सेज से लिख दिया मैंने सेज लिख दिया तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है यदि ये वर्ब आ जाए जैसे ही दे से या ही सेज सी सेज ऐसा आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में तो कोई चेंज नहीं होगा से का से, आएगा, सेज का से आएगा क्यों क्योंकि प्रेजेंट टेंस इसी तरीके से यदि आ जाए विल या शैल मैंने कह दिया विल शैल विल से या सेल से ये आ गया तो कोई चेंज नहीं होगा ठीक है ये क्यों नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं इसलिए फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो होगी वर्ब विल से या सेल से इसमें कोई चेंज नहीं होगा कब होगा यदि यहाँ पे सैड आ जाए या फिर सैड टू आ जाए तब ही हम इसमें चेंज करेंगे अदरवाइज कोई चेंज इसमें नहीं होगा ये बात ध्यान रखें तो देखिए एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के बारे में अभी देखिए तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमें ये असर्टिव टाइप अभी समझ में आ जाता है जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा छोटा सा जैसे मैंने लिखा राम से राम सेड टू मी राम सेड टू मी वी वी आर प्लेइंग क्रिकेट या फुटबॉल कुछ भी लिख दो फुटबॉल मान लीजिए हमने लिख दिया ये फुल स्टॉप और ये डबल कोमा लगा दिया इसका मतलब ये है कि मैंने अभी बताया था ये डायरेक्ट स्पीच है हमने पहचान कर ली क्यों क्योंकि डबल कोमा आ रहे हैं सिंगल कोमा आ रहा है फुल स्टॉप आ रहा है तो डायरेक्ट स्पीच है अब इस डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है सेंटेंस की पहचान करना आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस दिस इज एसटिव टाइप ऑफ सेंटेंस क्यों वाई क्योंकि ये देखिए लास्ट में ये तो क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टेड स्पीच है इसके लास्ट में देखिए फुल स्टॉप आ रहा है यहाँ इसका मतलब ये टाइप सेंटेंस है जब हम इसको बनाएंगे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमने अभी देखा था कनेक्टिव क्या आएगा दैट ठीक है तो एंड सैड टू में चेंज होगा टोल्ड में जो वर्ब में चेंज बताया था तो आ जाएगा राम टोल्ड मी राम टोल्ड मी राम अब यहाँ पे देखिए जब इन दोनों तीनों को हमें रिमूव करना है तो हम क्या यूज करेंगे दैट राम टोल्ड मी दैट इतना हमने बना लिया अब देखिए अब ये जो सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब को हमने जो बनाया इसमें ये राम कौन है सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट टोल्ड कौन है वर्ब एंड मी कौन है ऑब्जेक्ट एंड दैट क्या है कनेक्टिव जो कि हमने किसकी जगह लिखा है

Subject, तो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट तो ये खुद ही है रिपोर्टेड स्पीच में तो खुद ही सब्जेक्ट है तो इसको इसके according थोड़ी चेंज करेंगे इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे reporting वर्ब के subject के according. तो subject कौन है राम तो देखो sentence हमारा राम टोल्ड मी दैट अब दोबारा यहाँ राम थोड़ी लिखेंगे नहीं लिखेंगे ना अटपटा लगेगा हमें लिखते हैं तो सही है लेकिन हमें अटपटा लगेगा राम कौन है ही तो हमने यहाँ क्या लिख दिया ही और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं लिखना चाहिए ये तो राम ही है राम लिखना चाहिए था तो ब्रैकेट लगा के हमने क्या लिख दिया राम क्योंकि ग्रामर किस चीज को अवॉइड करता है रिपीटेशन को अवॉइड करता है तो राम कौन है ही हमने यहाँ ही लिख दिया ब्रैकेट में राम लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम नहीं है तो हमने ऐसा किया उसके जस्ट आफ्टर हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट में में हमने चेंज 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 कर लिया अब अब क्या बचा हमारे पास वर्ब बची। अब देखो, वर्ब बची देखो इन वर्ब्स के रूल भी बताए थे मैंने बताया था इज इस तो यहां इसका सब्जेक्ट देखेंगे का, ये और जाएगा फुल स्टॉप ये बन गया हमारा इन डायरेक्ट स्पीच ठीक है तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं एसर्टिव टाइप सेंटेंसेस ठीक है तो कन्वर्ट कर लोगे इनको हो जाएगा बाकी कल की क्लास में हम लोग अदर इसके जो टाइप्स हैं इंटरोगेटिव है एम्पेटिव है, है जब भी क्लास होगी तब इम्पेरेटिव है ऑप्टेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है उन सब टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत इजी है आप तो बस रूल्स याद करो और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी प्रैक्टिस करो घर से आपको अपने आप भी समझ में आ जाएगा बहुत इजी टॉपिक है ये एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आगे की क्लास में मुझसे पूछें एंड इसको समझने की कोशिश करें और पीछे की क्लासों में आपने बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को क्लियर किया हुआ है पढ़ा हुआ है तो मैं नहीं समझती कि ज़्यादा आपको टफ लगेगा ये टॉपिक और बहुत इजी है प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए Thank you. Thank you very much.